हेलो दोस्तों, आपका मेरी कहानियों के संसार में स्वागत है। कहानी का शीर्षक है किस्मत। एक गांव में दो बूढ़े रहते थे। उनमें से एक दुष्ट प्रवृत्ति का था और दूसरा उत्तम प्रवृत्ति का। एक बार नए वर्ष के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। उत्तम व्यक्ति ने कहा, आज रात को मैंने एक सपना देखा, मेरी किस्मत आसमान से टूट पड़ी। अरे बड़ी अजीब बात है, मैंने भी रात को एक सपना देखा, मेरी किस्मत जमीन के अंदर से बाहर निकलती मैंने देखी। दुष्ट आदमी ने अपना समाचार सुनाया। देखें अब किसकी किस्मत कहाँ से आन पड़ती है, कहता हुआ भला आदमी घर की ओर चल दिया। यूं कुछ दिन गुजर गए। जाड़े का मौसम खत्म होने को था। अच्छे आदमी ने सोचा, आज का दिन शुभ दिन है, क्यों ना आज के दिन खेत का काम प्रारंभ कर ले। इस विचार से कुदाल और फावड़ा उठाए अपने खेत पर जा पहुंचा और जमीन खोदना शुरू किया। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई और खन्न खन्न की आवाज आई। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि उसके खेत में यह प्रतिध्वनि करने वाला पत्थर कहां से आया। फिर उसने और खोदना शुरू किया तो जमीन के गर्भ से एक कलश निकला। विस्मय के साथ उसने कलश का ढक्कन खोला। उसके अंदर सोने की मोहरे और असरफियां दिखाई दी। भले आदमी ने उस कलश को पुनः यथास्थान रख दिया। उसने सोचा, यह खजाना जरूर उस बूढ़े का होगा। तो उस आदमी के पास जाकर बोला, महाशय आपकी किस्मत मुझे अपने खेत में प्राप्त हो गई है। कलश पर सोने की मोहरें और असरफियां मिल गई हैं। मेरे खेत में जाकर अपना खजाना ले आओ। फिर भला आदमी घर चला आया। उसने घर पहुंचते ही सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और बोला, अब तक वह अपना कलश ले गया होगा, तुमने बहुत ही अच्छा किया। उत्तम व्यक्ति की पत्नी ने कहा। इस बीच दुष्ट आदमी उत्तम व्यक्ति के खेत पर पहुंचा, जहां खुदाई हो गई थी वह जगह साफ नजर आ रही थी। गड्ढे के ऊपर ढकी मिट्टी को दूर करते ही उसे वह कलश दिखाई दिया। उसने बड़ी आतुरता से कलश का ढक्कन खोल दिया। सोने की मोहरें और असरफियों के बदले उसे कलश के अंदर कुंडली मारने वाले सांपों के दर्शन हुए। यह देखकर दुष्ट व्यक्ति क्रोध से आग बबूला हो गया। बदमाश ने मेरे साथ दगा किया, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा, उससे इसका प्रायश्चित कराऊंगा। ऐसा कुछ सोचते हुए दुष्ट उस कलश के साथ अपने घर पहुंचा। रात हुई तो दुष्ट आदमी भले व्यक्ति के घर गया। सीढ़ी लगाकर उसने उसके मकान की छत पर और धुएं की चिमनी से भीतर झांक कर देखा। भला आदमी अलाव की तरफ पीट करके बदन सेक रहा था। उसे देखकर निश्चिंत हो बदन सेकने वाला उत्तम व्यक्ति को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने कलश का ढक्कन खोल दिया और धुएं की चिमनी के छेद से उसे अंदर की ओर ढकेल दिया। लेकिन दुष्ट व्यक्ति ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। सांपों की जगह सोने की मोहरे और असरफियां भले व्यक्ति के चारों ओर बिखर गईं। बड़ी खुशी से उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, देखो मेरा सपना सच निकला, हमारी किस्मत आसमान से टूट पड़ी है, देखो ना। अब उत्तम व्यक्ति की दरिद्रावस्था समाप्त हो गई। अपना समस्त शेष जीवन वह सुखपूर्वक बिताता रहा। तो दोस्तों, आप सबका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब एवं लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।